कराने जा रहे हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल। जी हाँ, एक्सटर्नल पिवट टेबल। तो आज हमारी इस ऑनलाइन टॉपिक में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल के बारे में। अब एक्सटर्नल पिवट टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, इसके बारे में पहले एक बार जान लीजिए। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल क्या होता है सर कि मेरा आप मेल मिल क्या सर मेल मिला था। हाँ मेरे बताना, मैं इकट्ठा चेक करूंगा सबका। टेस्ट की बात करें ना आप? सर, उसमें पिवट टेबल ग्रुपिंग नहीं हो पा रहा है सर उसमें। पे टॉपिक करते हैं सर, भूल जाऊंगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं सर। ठीक ठीक है ना, भूल जाऊंगा कि मैं क्या पढ़ाना शुरू किया था। हाँ एक्सटर्नल बता हाँ तो हम ये आपसे बात रहे। कर रहे कि हमारे पास एक्सटर्नल पिवट टेबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो एक्सटर्नल पिवट टेबल का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि क्या होता है कि हमारे ऑफिस में काफी बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं जिसको ओपन करने में काफी टाइम लगता है। उनको ओपन करने में हमें काफी टाइम लगता है। और जैसे ही हम फाइल को ओपन करते हैं तो फिर उस पे जब भी कुछ काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो कैलकुलेशन परसेंटेज दिखाने लगता है। कैलकुलेटिंग परसेंटेज दिखाने लगता है, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा, माने कि टाइम लेता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है वगैरह वगैरह। तो हम चाहते हैं कि हम पिवट किसी और सी फाइल में रखें और डेटा किसी और फाइल में रखें ताकि हमें बार बार डेटा को ओपन करने की जरूरत ना पड़े और बार बार जो टाइम हमारा वेस्ट होता है वो टाइम जो है वेस्ट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिवट टेबल एक नई सीट लेंगे, इंसर्ट पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, क्योंकि नॉर्मली तो हम यहां डेटा रेंज सिलेक्ट करते हैं बट यहां पे करेंगे यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शन। कनेक्शन जैसे कि आपने इससे पहले कभी पिवट टेबल इस्तेमाल कर रखा है? तो यहां पे उसका डिटेल आ जाएगा। नहीं, आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो डेटा को, तो यहां ब्राउज फॉर मोर और यहां पे अपने उस लोकेशन में जाइए जहां पे आपका डेटा सेव है, उस डेटा को सिलेक्ट करें और ओपन करें। और जैसे आप, होता क्या है कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स जितने भी फाइल में होंगे वो सीट्स आएगा, क्योंकि तो पिवट जो है एक बार में किसी एक सीट से लग सकती है, दो सीटों से नहीं। तो यहां पे आपको सीट जिस सीट से लगानी है उस सीट सेलेक्ट करने का ये देगा कि आप वो सीट को यहां सेलेक्ट कर लें, देन ओके एंड देन ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका जो पिवट है वो किसी और लोकेशन में है, तो जो डेटा, माफ कीजिएगा पिवट कर रहा हूं, डेटा किसी और लोकेशन में है और हमने पिवट को कहीं और किसी और लोकेशन में लगा लिया। ठीक है, तो पिवट किसी और लोकेशन में है और डेटा आपका किसी और लोकेशन में है और इसको आप फुल्ली पिवट की तरह यूज कर सकते हो। तो एक बेनिफिट ये है,
दूसरा बेनिफिट ये है कि जैसे कि मैंने आपको कल लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर सेम सीट पे सेम फाइल के अंदर डेटा और डिफरेंट डिफरेंट सीट में जब आप पिवट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका डेटा अगर इंक्रीज होता है तो आपको पिवट को भी इंक्रीज करना पड़ता है। बट अगर आप एक्सटर्नल पिवट टेबल यूज करते हैं तो आपको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? जस्ट रिफ्रेश कीजिएगा, आपका डेटा ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा आप चाहते हो कि आपका पिवट जो है आपको बार बार डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, बिना डेटा सेलेक्ट किए ही पिवट लग जाए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम होती है कि मुझे सिर्फ एक्सटर्नल पिवट टेबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसी फैसिलिटी को यूज करना है कि जब पिवट टेबल यूज करूं तो मुझे बार बार डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत ना पड़ जाए, और मैं ये चीज अलग अलग फाइलों में नहीं सेम फाइलों पे करना चाहता हूं, तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पीवट जो है एक्सटर्नल पीवट जो है अलग अलग सी फाइल पे ही लग सकती है, हम सेम फाइल में डिफरेंट डिफरेंट सीट पे भी लगा सकते हैं। बस उसके लिए मेथड जो होगा वो होगा इसका। तो जो फाइल यहाँ पे क्लास फाइल है, हम यहाँ पे ब्राउज में जाके उसी क्लास फाइल को सिलेक्ट करते हैं जहां जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, एंड ओपन, और उस सीट को सिलेक्ट करते हैं जिस सीट में डेटा है, देन ओके एंड देन ओके। ठीक है, बट जब भी आप एक्सटर्नल पिवट टेबल लगाएं तो एक चीज का ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? कि आपका पहले कॉलम से पहले लाइन से हेडिंग होना चाहिए, क्योंकि वो अगर नहीं है तो पहले हेडिंग को पकड़ता है और F1, F2, F3 इस तरह से ले लेगा वो। या फिर कभी कोई कॉलम यूज कर रखे हो डेटा वो भी ले लेता है, जैसे कि यहां पे देखिए इसने दो यहाँ पे F1, F2 करके कुछ ले लिया, यहाँ पे देखिए F12, FIL11, FIL12 ऐसा ले लिया, क्योंकि वो ये चलता है करेंट रीजन पे, इसको यूज सेल पे। जैसे मान लीजिए ना कि डेटा में आपने पहले इन कॉलम्स पे इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी डेटा नहीं है, लेकिन इसे पहले इस्तेमाल करके डिलीट कर दिया आपने, तो यूज्ड सेल के अंदर आ जाता है, तो यो यूज्ड सेल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। समझ तो गए? पहली कर्सर बार मुझे कर्सर कहाँ रखना पड़ेगा? की बात नहीं कर रहा हूं, डेटा आपके पहले रो से होनी चाहिए। अच्छा, समझ गए ना? मान लीजिए कि आपका जिस डेटा से लगा रहे हो वो यहां से शुरू है, तो उसको क्या पता चला कहाँ से शुरू है, तो वो A1 से शुरू करेगा ना, क्योंकि आप कोई डेट सिलेक्ट तो नहीं कर रहे हो ना, आप तो फाइल का लिंक दे रहे हो ना, ठीक है, इसलिए। ओके। समझ गया? तो एक्सटर्नल पिवट टेबल का यूज आ गया, समझ गए? अब बारी आती है कि एक्सटर्नल पिवट टेबल एक्सेल टू एक्सेल ही नहीं, हम एक्सेल टू एक्सेस भी लगा सकते हैं। जैसे कोई एमएस एक्सेस में डेटा पड़ा हुआ है और इसको आप इंपोर्ट करना चाहिए, एक तो एक्सेस के जरिए आप एक्सपोर्ट कर दोगे तो डेटा में एक्सपोर्ट हो जाएगा, बट मैं एक्सेस के जरिए एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं एक्सेल के थ्रू एक्सेस से इंपोर्ट करना चाहता हूं, वो भी एज ए पिवट, एज ए डेटा नहीं, क्योंकि हो सकता है डेटा जो है वो बहुत बड़ा हो, 10 लाख से ऊपर हो, तो उतनी डेटा तो इस पे आएगी नहीं, इसलिए हम एज ए पिवट लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और यहां पे हम जाएंगे और अपना एक्सेस, जो भी एक्सेस डेटाबेस आपके पास है डॉक्यूमेंट में, उस एक्सेस डेटाबेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेटाबेस आपका है, एंड ओपन। जितने भी इसमें टेबल है उन टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, या क्यूरी है क्यूरी को सिलेक्ट कर लीजिए, एंड ओके एंड ओके। आपका डेटा एक्सेस से लग गया। दूसरा, अगर एसक्यूएल सर्वर से लगाना चाहते हैं तो आप एसक्यूएल सर्वर से भी अपने डेटा को लगा सकते हो, बट उसके लिए आपके पास लोकल होस्ट या फिर
एसक्यूएल क्लाइंट होना जरूरी है आपके सिस्टम में, समझ गए? कैसे करेंगे? तो इंसर्ट में आते हैं, पिवट टेबल, यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, और यहां ब्राउज फॉर मोर पे जब क्लिक करेंगे तो न्यू सोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, यहां पे एसक्यूएल सर्वर नेक्स्ट। अब आपसे सर्वर का नेम पूछेगा, तो सर्वर नेम जब आप जैसे एसक्यूएल सर्वर को लॉगिन करते हैं तो दिस इज द सर्वर नेम, तो सर्वर नेम यहां पे आप डालिए। अभी क्या है कि मेरा लोकल होस्ट है, मतलब कि मेरी सर्वर इसी पीसी पे है तो उसको लोकल होस्ट कहते हैं, लेकिन ऑफिस में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर होता है। तो यहां पे आपको पास यूजर नेम और पासवर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरा लोकल होस्ट करने के साथ विंडो ऑथेंटिकेशन चलता है, विंडो के पासवर्ड को ही लेके चलता है, इसलिए मैं दे जाता हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अभी क्या है कि इसमें बहुत सारे डेटाबेस होगा, तो आपको कौन सा डेटाबेस चाहिए, तो आईपीटी। अब एक डेटाबेस में हो सकते हैं बहुत सारे टेबल्स हो, तो उसमें कौन सा टेबल लिंक करना, क्योंकि करना है तो हमने डेटा ले लिया, नेक्स्ट एंड फिनिश, यानी यस एंड ओके। अब देखिए मेरा डेटा पड़ा है एमएस एसक्यूएल सर्वर में और मैंने इंपोर्ट कर लिया कहां पे, इस पे। उसी तरीके से ओरिकल होगा, अभी मेरे सिस्टम में ओरिकल नहीं है, फिर भी मैं स्टेप बता देता हूँ ओरिकल का क्या स्टेप है, कि चूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ब्राउज फॉर मोर, और इस पे हमारे पास इसमें न्यू सोर्स में जाना है, और यहाँ ओडीबीसी आता है, माइक्रोसॉफ्ट डेटा एक्सेस ओएलडीबी प्रोवाइडर ओरिकल, नेक्स्ट कीजिए। सर्वर नेम जैसे आपने एसक्यूएल सर्वर इस्तेमाल किया, सेम इसमें भी आपको इस्तेमाल करना है, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिसके बारे में पता नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना होता है कि एक मेरा एफटीपी है या एक मेरा वेब एड्रेस है, वहां से मुझे हर दिन डेटा को डाउनलोड करना पड़ता है और फिर उस पर पिवट लगाना पड़ता है, समझे? पीवर्ड को लगाना पड़ता है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे हर दिन जो डाउनलोड करना पड़ता है वो डाउनलोड ना करना पड़े, जैसे कि मैंने इसको डाउनलोड करता हूं, सॉरी कॉपी लिंक एड्रेस, और जो जिसका लिंक है उस लिंक को मैं यहां पेस्ट कर देता हूं, लेकिन नहीं, एक गूगल का लिंक हो गया, गूगल का लिंक नहीं, मुझे डायरेक्ट लिंक चाहिए, तो मैं यहां से भी कॉपी कर सकता हूं, लेकिन वो एचटीटीपी के पूरा कंप्लीट लिंक होना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे नहीं करें, आप डाउनलोड में जाएं अपने ब्राउजर के डाउनलोड में, और यहां दिख रहा है आपका लिंक, इस लिंक को कॉपी करें और फिर उस लिंक को यहां पेस्ट कर दें। तो सिर्फ लिंक ही नहीं, चाहे कोई भी एक, माने कि कोई ऐसा फाइल टाइप है आपके पास जो कि आपके एक्सेस में आप एज उसको पिवट को माने कि पिवट इंपोर्ट करना चाहते हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे इंपोर्ट करें, और न्यू सर्विसेज में वगैरह वगैरह जाके करने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए बस उसका पाथ डाल दीजिए, ओपन पे क्लिक कीजिए, वो अपने आप सारा सेट कर लेगा, जो सेट करना है न्यू सोर्स में जाके, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। और यहीं पे आपको नंबर ऑफ शीट्स जो भी है, जिस शीट में आपका डेटा है उस शीट को सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए एंड ओके कीजिए, बस फाइल का डेस्टिनेशन सेम होना चाहिए, कल के डेट में अगर फाइल चेंज होती है रिफ्रेश कीजिए, अपने आप हो जाएगा, समझ गए? कोई डाउट आप लोगों को सर? ये तो थी हमारी एक्सटर्नल